सब सारी शक्तियाँ यानी कि भगवान वृंदावन में वास करने वाले मेरे कृष्ण कन्हैया जी, कौन कौन मानते हैं ठाकुर ठाकुर जी एक बार सीधे करें आप, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वृंदावन के अंदर एक भारी रास हो रहा है रास, और रास में सारी सखियां जाती हैं, सारी स्त्री जाती हैं, किसी भी पुरुष का जाना अलाउ नहीं है। तो पार्वती माँ तैयार हो रही है कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए रास में। तो भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं कि पार्वती आप तैयार होकर कहाँ जा रही है, कि मैं रास में जा रही हूँ। भोलेनाथ कहते हैं हम आपके साथ चलेंगे। तो पार्वती माँ ने मना कर दिया कि वहाँ कोई भी पुरुष जाना अलाउ नहीं है, आप वहाँ जा नहीं सकते। तो दोनों में क्या क्या बातें हो रही हैं आप सुनिए, कितना सुंदर ये बनी है। बन के फ्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी ना मानी त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। आइए दोनों में क्या क्या बातें हैं। इस दिन वो भोले भंडारी बल बल की तारी आ गई है, पार्वती जी मना के हारी ना मारी त्रिपुरारी, गोकुल में आ गई है गोकुल में आ गई Thank you.
भगवान भोलेनाथ जी कर बैठे कि मैं भी जाऊंगा उस राज में, तो पार्वती माँ भोलेनाथ से कहती है, हे मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी, हाय कैसे जाऊं तुम्हे राज में, ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे जाऊं तुम्हे राज में, मोहन की सीवा वहाँ कोई न जाए उस लाश में, मोहन की सीवा वहाँ कोई न जाए उस लाश में, हंसी करेगी नानी मानो बात हमारे देखिए कि कैसा मंजर होने जा रहा है। माँ पार्वती अब श्रृंगार कर रही है अपना, कहाँ जाने के लिए, रास में। अब भोलेनाथ माँ पार्वती के सामने जाकर बैठ जाते हैं। गोरा, कोई पुरुष ही तो जा नहीं सकता, ये इतना सारा श्रृंगार का सामान है। अरे गोरा मुझे समझा दे, मुझे पुरुष से नारी बना दे, इतना बढ़िया चूड़ा मेरा बनाना और इतना लंबा घूंघट निकालना कि तेरा गिरधारी भी सोचेंगे कौन आई है। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार चल रहा है, अपने हाथों से सजा रहे हैं माँ पार्वती भोलेनाथ को। और माँ भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, गोरा सुनो, ऐसा सजा तो मुझे कोई न जाने इस बात को, ऐसा सजा तो मुझे कोई न जाने इस बात को, अगर कोई पूछ भी ले ये तेरे साथ कौन है तो क्या कहेगी, एक ही बात कहना, उनसे बताना जाके मैं हूँ सहेली ब्रजराज को, मैं हूँ सहेली देवी, ऐसा बताना ब्रजराज को। और गोरा यार क्या मंजर रहा होगा, मुझे भोलेनाथ का झूला इतना पड़ा रो जा हिलाना, क्या आइडिया है, बता दे के साड़ी चाल चले मत करिश्मा हो गया। और करिश्मा ऐसा हुआ, भगवान भोलेनाथ पहुंच गए। देखा मोहन ने जब होए, समझ गई वो सारी बात को, मेरे कन्हैया ठाकुर जी सब समझ गए हैं, सारी गोपी को अपने घूंघट में, किसी ने घोपटी नहीं किया है। और ये सबसे अलग सखी जो आई है वो भी इतनी लंबी 6.5-7 फुट की है और घूंघट में इतना लंबा, किसका ये मेरे राम हमारा, दाल में कुछ काला है ना लिया। अब वो कन्हैया तो गजब की बांसुरी बजती है उस बंसी के बदैया की, तारीफ मुरली की करूं या मुरली के बदैया की, आज कन्हैया ने धरी अपनी अधरों पर यानी अपने होठों के ऊपर बंसी और बजाई बंसी। बंसी कैसे बजती है, मोहन ने जब
समझी गई वो सारी बात को, ऐसी बजाई बंसी शुद्ध बुद्ध भूत को, ऐसी बंसी मेरे ठाकुर जी ने बजाई वो कन्हैया के शुद्ध बुद्ध भूत, सिर से सर गई है सारी गई, कौन सा फोन समझ गई भगवान की, कन्हैया ने सारी बात समझी और मेरे ठाकुर जी ने जाकर शंकर भगवान को चढ़ छूकर वंदन किया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भोलेनाथ आप दुनिया को देने वाले हैं, मैं आपसे कुछ दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आज मैं एक छोटा सा वरदान देने जा रहा हूँ कि एक नाम आपका आज से गोपेश्वर नाथ है। बोलो गोपेश्वर नाथ की, वृंदावन के अंदर गोपेश्वर नाथ जी का वो बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है, जो वृंदावन गए हैं वो जाकर दर्शन भी किया होगा। गोपी के रूप में भगवान भोलेनाथ हैं, तो बोलो शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, भक्त दाता की।